पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के बाद मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। तो वहीं उड़ीसा पर इस समय साल के पहले चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान के पास बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 मई यानी कि 3 दिन बाद भारत के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। इस बारे में मौसम विभाग ने बंगाल और उड़ीसा के 4 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंडमान सागर में मौसम की दशाओं को देखते हुए मछुआरों के लिए एक चेतावनी जारी कर दी गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। बता दें कि इससे पहले भारत में चक्रवात दिसंबर 2021 में आया था। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार शाम को चक्रवात अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में जाएगा और इसके बाद बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कई जिलों में 8 तारीख से बारिश शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है। इसके अलावा विभाग ने ये भी बताया कि ये चक्रवात उड़ीसा या आंध्र के तटों से भी टकरा सकता है। इस दौरान हवा की स्पीड 75 से लेकर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। सरकार ने खतरे को देखते हुए NDRF की 17 और ODRAF की 20 टीमें तैनात की हैं। साथ ही दमकल कर्मियों के सभी अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाले आसनी चक्रवाती तूफान का सामना करने के लिए उड़ीसा सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अगर तूफान के असर की बात करें तो ये उड़ीसा समेत पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व के कई राज्यों में तबाही मचा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।